समय जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले में जो है फॉरेस्ट गार्ड के वन विभाग में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती आप सभी स्टूडेंट के लिए वन संरक्षक के पोस्ट पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विज्ञापन सूचना जो है प्रकाशित जो है हुआ है। तो आप इसके लिए किस तरीके से आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप किस तरीके से करेंगे, वेतन आपको जो है इसमें कितना मिलेगा, सभी जानकारी इस वीडियो में होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कांकेर वन, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए वन मंडलों में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना एवं वन विभाग के अन्य हितग्राही जो है मूलक योजनाओं के संचालन के लिए जो है वन विभाग में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती होना है और यहाँ पर जो है वॉक इन इंटरव्यू चल साक्षात्कार का आयोजन जो है किया जा रहा है। तो इसमें वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जो है आप लोगों का होने वाला है सिलेक्शन। तो वन रक्षक वन विभाग में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है पोस्ट निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए कांकेर में जो है निकल कर आया है। तो कांकेर वन वृत्त के अधीन वन मंडल अंतर्गत मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना एवं वन विभाग के अन्य हितग्राहियों के लिए जो है एक काफ़ी अच्छी अपडेट है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशंस के, आखिरकार योग्यता क्या होनी चाहिए आवेदन करने के लिए, तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो एक शैक्षणिक योग्यता होता है वो आपका फर्स्ट क्लास एमएससी इन फॉरेस्ट्री एग्रोफेरेसी वाइल्ड लाइफ साइंस, यदि आपने बीएससी किया है बीएससी ग्रेजुएशन होता है उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी आप लोगों ने अगर किया है तो एमएससी अगर आपका वाइल्ड लाइफ साइंस से अगर आपने किया है या फिर फॉरेस्ट्री या फिर एग्रोफेरेसी से तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसमें आपको जो है पारिश्रमिक दर यानी कि आपको जो है हर दिन के हिसाब से पर डे जो है 920 रुपये जो है आपको प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा, यानी कि लगभग 24,000 रुपये जो आपको इसमें सैलरी जो है मिलेगा। तो सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा है। पोस्ट की बात करें संख्या के, तो इसमें जो है दो पोस्ट जो है हैं। आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2023 को आपका कम से कम मिनिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम एज 21 वर्ष और अधिकतम जो है 45 साल। तो इस एज लिमिट में अगर आप हैं, इस एज में हैं, तो आप इसके लिए जो है डेफिनेटली जो है आवेदन कर सकते हैं। साथ में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्लास बीएससी इन फॉरेस्ट्री एग्रोफेरेसी वाइल्ड लाइफ साइंस और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि आपका जो है बीएससी आपने किया है जैसे इसमें था वैसे ही आपको वाइल्ड लाइफ साइंस में होना चाहिए और जो आपने पढ़ाई किया और साथ में जो है आपको कंप्यूटर्स की जो है नॉलेज होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि जिसमें आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, एमएस एक्सेस, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है आपको गहन अध्ययन जो है आपको अच्छे से जो है बहुत ही बेहतर से बेहतर जो है नॉलेज आपके पास जो है होना चाहिए। और क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई करेंगे, आपके लिए उतने ही ज़्यादा बेहतर होगा, आपके लिए उतने ही ज़्यादा बेनिफिट्स जो है मिलने वाला है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप तैयारी करो, जितना हो सके तुम मेहनत करो, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इसमें जो है आप लोगों के लिए सिलेक्शन जो है होने वाला है। देखिए आप किसी भी क्षेत्र में जो है आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप जो है आगे जा सकते हैं, बस आपके लिए आपको उसके लिए जो है मेहनत करना होता है। और इसमें क्या कुछ बोला गया है, साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ जो है समस्त मूल प्रमाण पत्र की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रतियाँ, यानी कि आपका सेल्फ अटेस्टेड जो है होना चाहिए और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो साइज़ का जो है नवीनतम फ़ोटो तथा आधार कार्ड की जो है छाया प्रति के साथ नियत तिथि को आपको जो है 27 अप्रैल 2023 को प्रातः सुबह 9:30 बजे तक कार्यालय मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर में अपनी जो है उपस्थिति आपको जो है सुनिश्चित कर लेना है और वहां पर आपको जो है उपस्थित होना है। तो कुछ इस तरीके से आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करना बहुत ही आसान है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होने वाला। तो आप जो है बहुत ही आसानी से जो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप करना भी बहुत ज़्यादा आसान है और वैसे भी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जो है आप लोगों का सिलेक्शन जो है निकाला गया है। तो ये वॉक इन इंटरव्यू भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है आप सभी के लिए हो जाता है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपको जो है जॉब मिलेगा, आपका जो है नौकरी मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट्स हैं। तो इंटरव्यू से बिल्कुल नहीं घबराना, वहीं काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो इंटरव्यूज़ के नाम सुनकर परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। आपको इंटरव्यूज़ में क्यों घबराना, अगर आपका तैयारी अच्छे से है, आपको चीज़ों के बारे में जो है अच्छे से जानकारी है, कॉन्फिडेंस के साथ आपको जो है फेस करने, कॉन्फिडेंस के साथ आपको जो है तैयारी करने, जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे तरक्की उतने ही मिलेगा, कामयाबी जो है उतने ही मिल पाएगा। कामयाबी का कोई निश्चित डेट नहीं होता, कोई निश्चित पहलू नहीं होता कितने दिन में आपको जो है कामयाबी मिल पाएगा।
बस उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना होता है, हमें थोड़ा सा मेहनत करना होता है। और जितना ज़्यादा हम प्रयास करते हैं, जितना ज़्यादा हम मेहनत करते हैं, तरक्की भी उतना ही मिल पाता है, कामयाबी भी उतना ही मिल पाता है, सक्सेस भी उतना ही मिल पाता है। फिर आप इसके लिए जो है आवेदन आसानी से जो है कर पाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाला। तो जितना हो सके तुम मेहनत करो, जितना हो सके तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। हमारी आज की मेहनत हमारे आने वाले कल की सफलता बनेगा। तो कांकेर में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए वन विभाग में फॉरेस्ट संरक्षक वन संरक्षक के पदों पर जो है वैकेंसीज भर्तियां निकल कर आ चुका है। आप काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने की सोच रहे हैं आखिरकार हमारा सिलेक्शन जो इसमें हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। काफ़ी स्टूडेंट है को ऐसा लगता है कि होगा या नहीं होगा, इसी चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा दुविधा में है। तो आप लोगों की दुविधा को मैं समझ रहा हूँ, आप लोगों की दुविधा का होना बिल्कुल जायज़ है। आप आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आसानी से जो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप जो है इन सभी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाएंगे। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और ये बिल्कुल मत समझना कि यार ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स है वो और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम मुश्किल है, वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम मुश्किल है। मुश्किल जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम मेहनत नहीं करते, हम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करते, इसी वजह से हमें वो चीज़ें जो है मुश्किल लगने लगती हैं, हमसे नहीं हो पाएगा ऐसा हमें लगता है। लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते, तैयारी ही नहीं करते, मेहनत ही नहीं करते। मेहनत के आगे सब चीज़ पॉसिबल है, बस मेहनत करो और आगे क्या होगा कैसे होगा उसके बारे में सोचना बंद कर दो। आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत तो यही चीज़ होती है, जो आपके हाथ में नहीं है उसी के बारे में आप जो है सोचते हैं। क्या रिज़ल्ट आपके हाथ में है क्या, बताइए? बिल्कुल नहीं। आप तैयारी करोगे, आप मेहनत करोगे, आपका सिलेक्शन जो है होगा। आपका काम है सिर्फ मेहनत करना, आपका काम है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना। तो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी आप जो अच्छे से कर सकते हैं। अब ये सब कुछ तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके काम के ऊपर, आपके वर्क के ऊपर, आपके मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करेगा। और मेहनत के अकॉर्डिंग ही आपका रिज़ल्ट जो है मिल पाएगा। तो आने वाला समय आज से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तो ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, आपके कुछ गोल हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उस अचीवमेंट के लिए आपको जो है तैयारी करना होगा, उसी एफर्ट के साथ, उसी जोश जुनून के साथ, उसी एनर्जी के साथ। तो जितना हो सके तुम तैयारी करो, जितना हो सके तुम मेहनत करो। मेहनत के आगे सब चीज़ पॉसिबल है। मेहनत नहीं करोगे तो किसी भी प्रकार की कामयाबी, किसी भी प्रकार की सक्सेस, प्रसिद्धि जो है नहीं मिल पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में वन रक्षक के जो है वन संरक्षक के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पोस्ट जो है आप सभी के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट्स हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को जितना शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा आप लोगों को नई अपडेट्स के बारे में जो जानकारी मिल पाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।